एवरीवन, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। जैसे 9 दिन का फास्ट हमारा चल रहा है, तो आइए पहले दिन मैं आपको बताती हूँ कुछ व्रत में खाने का मज़ेदार नाश्ता। सबसे पहले मैंने आलू को पीसेस में काट लिया है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज़ इसका काट सकते हैं। मैंने पकौड़ी के साइज़ का काटा हुआ है। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है और फ्लेम को ऑन कर दिया। गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे घी। अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो देखिए, घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें जो हमने आलू काटा हुआ है उसको बराबर रख देंगे, कवर कर देंगे। फिर अभी हमारा आलू जो है वो पक रहा है, तो इसको 5-10 मिनट में पलटते रहना है आपको। ऐसे ही करके जितने भी आलू हैं सबको पका लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। कि मैंने इसको एक बार पलट लिया। आप चाहें तो इसमें जो है सेंधा नमक, जो व्रत का नमक होता है, अभी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उतारने के बाद जब पक जाए तो फाइनली खाते टाइम भी आप इसको डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन योर चॉइस। फ्राइड आलू के साथ खाने के लिए मैंने तैयार किया हुआ है धनिया, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी, जिसमें मैंने मिलाया हुआ है टाटा का सेंधा नमक। तो ये 3 चीज़ों की चटनी है। बनने के बाद गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। तो फटाफट से ये नाश्ता बनाइए, बहुत जल्दी बनने वाला है। व्रत में जब भी भूख लगे फटाफट से इसको बना के खा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू बन के तैयार हो गए हैं। मुझे थोड़े क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैंने ऐसा बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।